कपकोट में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। विभिन्न स्थानों में ध्वजारोहण करते हुए वीर सेनानियों को याद किया गया। कपकोट के एंजल पब्लिक स्कूल में भी स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अभिभावकों और शिक्षकों ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। कपकोट नगर में स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। किसी के कचरे किसी के कचरे की सुबहों में मचल के शामों में अकेली रातों में अधूरी बातों में तरसती माँ और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखा कब आओगे बच्चे पढ़ाई करते हैं तब कार्डबोर्ड कई घरों में लाइट होती है जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तब करते हैं। सर, मेरा नाम कृष्णा रावत है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। तो आज हमने यहाँ प्राकृतिक साधन से वाटर प्योरिफिकेशन बनाने की विधि जानी है। बताओ सर, फर्स्ट में तो हमारा जो गंदा पानी होता है, गंदा पानी हमने इस बीकर में डाला है, फिर पाइप के थ्रू वो बजरी में गया है जिसे हम सैंड बोलते हैं। जो सैंड होता है वो बड़े बड़े पार्टिकल्स को छान करके, फिर छान के जो पार्टिकल्स होते हैं डर्टी पार्टिकल होते हैं नीचे बैठ जाएंगे। आज हमने अपने विद्यालय में साइंस एग्जीबिशन मीन्स विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया है, और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने बच्चों में कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करें और उन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दें ताकि ये बच्चे धीरे धीरे आगे जाके हमारे वैज्ञानिक जो सोच है उसको बढ़ाते हुए कुछ नए नए इन्वेंशन क्रिएट करें, और इससे जागरूकता भी बढ़ेगी बच्चों में, क्योंकि इसके जरिए कुछ हमारे जो जजेज आए हैं काफ़ी अनुभवी हैं और टैलेंटेड हैं, उनके जरिए भी उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। और साथ में मैं ये भी मानता हूँ कि अगर हम इन बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे तो आज जैसे हमारा भारत चंद्रयान 3 के जरिए मून पे जा रहा है, चंद्रमा पे जा रहा है, तो हो सकता है कल के दिन कोई बच्चा इन्हीं में से आगे जाके मार्स में हमारे देश की तरफ से हमारा नाम रोशन करते हुए वहाँ पर बस्ती जो बनाने की बात चल रही है उसमें अपना योगदान दे। न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।